हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यज्ञस्य देव मृत्विजम् होता आरं रत्नधातमम्। आज इस अहमदाबाद भूमि पर आप सभी लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। आज हम एक ऐसा कर्म जिसको हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है, पुण्यशाली कर्म कहा गया है, परोपकार का सबसे बड़ा कर्म कहा गया है, ऐसे विशेष कर्म यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को अपने हाथों से हम संपन्न करेंगे। और आज हम सब लोग यहाँ एक साथ भोर में बैठे हैं और हवन कर रहे हैं। उसके पीछे हमारे आदरणीय भाई कांति भाई जी, हमारे आदरणीय भाई फसा भाई जी, आदरणीय भाई अश्विन भाई जी और हमारे आदरणीय भाई मगन भाई जी, जो अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं, कुछ कारणवश बाहर गए, सबका इसमें बहुत बड़ा सहयोग और तब पुरुषार्थ पूर्वक आज उन्होंने यह विशेष आयोजन किया है। और देखिए, हम जिस हवन को, यज्ञ को अभी हम संपन्न करेंगे, वह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र एक पूजा पाठ, एक कर्मकांड, एक देवी शक्तियों का पूजन, एक ईश्वर की आराधना के साथ साथ यज्ञ एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, एक साइंस है। हवन के अंदर जो हम अभी आहुतियां प्रदान करेंगे, वो आहुतियां जो हम प्रदान करते हैं, उसमें जो द्रव्य की हम आहुति देते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम कौन सा द्रव्य की आहुति देते हैं। जिन द्रव्यों की हम आहुति देते हैं, वह द्रव्य गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? कोई भी पदार्थ का हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं, जला देते हैं तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या होता है? सामान्य रूप से हम ये बोलते हैं, नष्ट का अर्थ क्या होता है, नस अदर्शन है। क्या होता है? नाश का अर्थ अदर्शन हो जाना, नाश कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना। नाश होने का अर्थ सर्वथा अभाव होना नहीं होता है, नाश होने का अर्थ होता है क्या होता है, रूपांतरित हो जाना। जैसे पानी है, पानी को आप 100 डिग्री पर गर्म कर देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। ऐसे ही जो हम जड़ी बूटियां आदि जो आहुति देते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं, अभी तो क्या होते हैं, रूपांतरित। नष्ट अर्थात रूपांतरित होना, सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो रूपांतरित होते हैं। जब वो रूपांतरित होते हैं तो गैस फॉर्म में आते हैं, एनर्जी के रूप में आते हैं, पार्टिकल के रूप में वो वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। जब इस रूप में वो आते हैं तो हम गैस फॉर्म को ही यदि हम देखें तो जो यज्ञ से निकलने वाला धूम्र होता है वो मेडिकेटेड धूम्र होता है, औषधीय धूम्र होता है, भेषज धूम्र होता है। GCMS
एमएस, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक आधुनिक वायु को गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की एक तकनीक होती है, बहुत महंगी होती है, और उसके माध्यम से देखते हैं कि इसमें क्या क्या तत्व होते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब हम बीमार होते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं, फिर जो रोग होता है जैसे सूजन है, दर्द है, तो क्या देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स जो भी होते हैं वो जिस दवाई के अंदर होते हैं वो दवाई दे देते हैं। हमें कैंसर हो गया तो एंटी कैंसरस कंपोनेंट्स जिस द्रव्य के अंदर हैं वो दवाई हमने दे दी। कोई इन्फेक्शन आदि होते हैं तो एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट जिस द्रव्य के अंदर है, टेबलेट आदि के अंदर, उस टेबलेट को हमें दे दिया। ये एक मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक चिकित्सा पद्धति के अनुसार इस प्रकार से उस बीमारी को ट्रीट करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे युक्त जो दवाइयां हैं उसको हमें दे देते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस यज्ञ को करते हैं उस हवन को करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब हमने एनालाइज करके देखा तो उसके अंदर मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर और गैस फॉर्म में एक साथ हमें एंटी माइक्रोबायल, एंटी कैंसरस से लेकर के एंटी इंफ्लेमेटरी से लेकर के अनेक प्रकार के लाभ देने वाले मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स एक साथ यज्ञ के धूम्र के अंदर मिलते हैं। और वो जो यज्ञ का धूम्र मेडिसिनल धूम्र होता है, अब उस वायु में हम रहते हैं, उस वायु में हम श्वास लेते हैं, तो श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर पहले तो स्वस्थ रहता है, और यदि रुग्ण हो भी गया है तो वो भी वो स्वस्थ हो जाता है। इसलिए यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है। क्या है, देखिए, हम श्वास तो ले ही रहे ना वायु में, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन के लिए हमें शक्ति की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, वो शक्ति, वह ऊर्जा हमें किस माध्यम से प्राप्त होती है, आहार के माध्यम से। किस माध्यम से प्राप्त होती है, आहार से होती है ना। वो आहार हम तीन रूपों में लेते हैं, कितने रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हम रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं, और गैस रूप में वायु लेते हैं ना। अब जो हम ये तीन रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा आहार लेते हैं, हम 24 घंटे का ही देखें, भोजन कितनी बार लेते हैं, दो बार, तीन बार, पानी, दूध, जूस, द्रव रूप आहार 5 बार, 10 बार, ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन वायु एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि हम रात को सो जाते हैं तब भी हर एक सेकेंड ये वायु रूप आहार हम निरंतर ले रहे हैं। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोई आहार लेते हैं तो कौन सा लेते हैं, वायु रूप आहार। अब सबसे ज्यादा के साथ अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आहार कौन सा होता है, हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि खाना छोड़ भी दे तब भी हम 2 से 3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस, द्रव रूप आहार खाना छोड़ दे, लेना छोड़ दे, तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु छोड़ दे तो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी आहार कोई है तो क्या है, वायु रूप आहार। ये हमारे लिए ही नहीं, जीव मात्र के लिए सबसे ज्यादा आहार का कोई स्रोत होता है तो वायु होते हैं। पेड़ पौधे होते हैं ना, उसके लिए तो साइंटिफिकली हम देखें तो 95% वो वायु से आहार लेते हैं, 5% केवल आहार वो अन्य माध्यम से लेते हैं। तो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार हम सब का कोई होता है तो वायु होता है। और उस वायु का शोधन करना, उस वायु का पोषण करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसको सुगंधित बनाना, उसको जीवनीय शक्ति से युक्त करने का कार्य किसी माध्यम से होता है तो वो ये यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है।
इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने से ये वायु जीवनी शक्ति से युक्त हो जाती है, सुगंधित हो जाती है, मेडिकेटेड हो जाती है। और उस वायु के अंदर जब हम रहते हैं और उसमें श्वसन की क्रिया करते हैं, तो वो जो हवन करने पर जो अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स वायु में आ गए और श्वास के माध्यम से हमारे ब्लड तक जाते हैं और हमें कोई बीमारी हो गई है तो वो बीमारी को वो ठीक कर देते हैं। और यदि कोई बीमारी नहीं है तो कभी बीमार हम होंगे ही। देखिए, हम जिस वायु में रहते हैं ना, ये वायु के अंदर दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। दो प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब ये जो दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं ना, जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है और उसमें रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा चेंज होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी एसिटिक बनती है। और आप सब जानते हैं एसिटिक बॉडी बनते ही अनेक प्रकार के रोगों का घर हमारा शरीर बन जाता है। और कोई बीमारी हो भी गई और उसका ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो जल्दी से ठीक नहीं होती है। और दूसरा होता है ऋण आवेशित कण। वो स्वाभाविक रूप से जहां झरने हैं, नदी है, तालाब है, बागान है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, पहाड़ है, ऐसे जो प्राकृतिक स्थान होते हैं वहां स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और उस ऋण आवेशित कण बाहुल्य वायुमंडल में हम जब रहते हैं तो उससे ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी अल्कलाइन बन जाती है। और अल्कलाइन बॉडी बन जाती है तो कोई रोग होता ही नहीं है, और हो भी गया तो बहुत शीघ्रता से दूर हो जाता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस हवन को हम कर रहे हैं, इस हवन को करने पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता हो जाती है। प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, अर्थात उतने वो कण होते हैं जो घन जंगल होता है और उसके अंदर पाए जाते हैं, उतने पार्टिकल यज्ञ जिस स्थान पे होता है उस स्थान पे पाए जाते हैं। मानी हम अपने घर के अंदर यदि 11 गायत्री मंत्र से आहुति देकर के इतना छोटा सा 5 मिनट का यज्ञ कर ले तो हम जंगल जैसा वायुमंडल का लाभ अपने घर के अंदर हम ले सकते, इतनी बड़ी ये विद्या है ये आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और इसके साथ साथ देखिए, आज हम सब लोग जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन में हम बहुत बुरी तरह से रेडिएशन से प्रभावित हैं। आज WHO के आंकड़ों को देखें तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, हमारे जो मस्तिष्क जो काम करता है उसके पीछे जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसका संचार ये बाधित होने का सबसे बड़ा कारण होता है रेडिएशन। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, MND, एक कुछ ऐसे घातक और ऑटोइम्यून डिजीज कहे जाते हैं कि एक बार हो गया तो अब वो जीवन लेकर के जाते हैं, और उसका कारण होता है रेडिएशन। आज मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे साधन और कार्बनिक पदार्थों का भी हम प्रयोग करते हैं, सब रेडिएशन छोड़ते हैं। और आज हम एक रेडिएशन की जाल के बीच में जी रहे हैं, जिसके कारण चिड़िया, मधुमक्खी आदि भी सारे गायब हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, और हमारे ऊपर भी, मनुष्य के ऊपर भी एक बहुत बुरी तरह से उसका प्रभाव होता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस हवन को अभी हम सीखेंगे, करेंगे, वो हवन को करने पर जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वायुमंडल में आते हैं तो वह रेडिएशन दूर हो जाता है। यज्ञ करने पर रेडिएशन खत्म हो जाता है। डॉक्टर YK विजय जी, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान, उन्होंने एटॉमिक रेडिएशन के ऊपर, अल्फा बीटा गामा अलग अलग होता है, उसमें बीटा रेडिएशन होता है जो हमारे व्यवहार में सबसे ज्यादा आता है और जो हमारे शरीर को और हमारे अस्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, उस रेडिएशन के ऊपर उन्होंने परीक्षण किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यज्ञ करने पर एटॉमिक रेडिएशन खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है,
और डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में उन्होंने काम करके बताया कि हवन यज्ञ अग्निहोत्र करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी दूर होता है। मानी इतना छोटा सा यज्ञ यदि हम 11 आहुति का प्रतिदिन हम कर ले तो सबसे पहला मैंने क्या बताया था, हमारी चिकित्सा हो जाती है। क्या होता है उसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होते, तो एक तो हमारी चिकित्सा होती है, दूसरा मैंने क्या लाभ बताया, यदि कोई रोग हो गया है तो वो ठीक होने के साथ ही हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कौन सा होता है, वायु रूप आहार, उसका शोधन, उसका पोषण, उसको सुगंधित करना, उसको मेडिकेटेड बनाने का काम भी इसी यज्ञ के माध्यम से संपन्न हो जाता है। और तीसरा लाभ क्या बताया, रेडिएशन, दो प्रकार के रेडिएशन से आज हम जूझ रहे हैं, उन दोनों प्रकार के रेडिएशनों से भी हमारा बचाव हो जाता है एक छोटा सा यज्ञ करने पर। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण। क्या वायु प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं। जो प्राण वायु हमें जीवन देती है वही आज जीवन लेने लग चुकी है। 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हम हवन यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं, इस यज्ञ को हवन को अग्निहोत्र को करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसों का निर्माण होता है, और वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है, एक होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जो क्लोरोफिल के साथ आप सब लोग जानते हैं, सूर्य की किरणें आने पर बॉन्ड्स टूटते हैं, कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, ऐसे ही एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है, वो दोनों गैसें आपस में जब मिलती हैं तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसको जहरीली गैसें कहते हैं, जिसको घातक गैसें कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, वो गैसें न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है, अर्थात वायु प्रदूषण से भी हमारा बचाव हो जाता है। और एक लाभ और विशेष है, आज पूरी दुनिया माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से प्रभावित है। किस प्रदूषण से, माइक्रोबायोलॉजिकल अर्थात बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसके कारण बीमारियां होती है। आज आप सब जानते हैं एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को कैसे हिला करके रखा, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कैसे ध्वस्त कर दिया, क्या क्या नहीं हुआ एक जीव के कारण। और ऐसे आपको जानकर के आश्चर्य होगा, WHO के आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं। कितने लोग, खाली बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जन्य बीमारी जिसको हम कॉम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उसके कारण 2.25 करोड़ लोग तो मौत के मुंह में समा जाते हैं, और उसका ट्रीटमेंट और आदि चीजें करते हैं, 1000 करोड़ रुपए का खर्च होता है। कितना, 1000 करोड़ का। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया आदि है उसको हमने लिया, और ये जो हम हवन करते हैं उस हवन को करने पर जो धूम्र बनता है उस धूम्र को पहले हमने एनालाइज करके देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो उसके अंदर जैसे मैंने कहा ना अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे ही उसके अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स भी उसमें भरपूर मात्रा में पाए गए। उसके बाद उस धूम्र को हमने उन बैक्टीरिया, फंगस आदि के ऊपर दिया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा एक बार मात्र के यज्ञ से 65% से लेकर के 96% बैक्टीरिया नष्ट हो जाते, एक बार मात्र यज्ञ से 65% से लेकर के 96%। और हम इतना छोटा सा यज्ञ करें तो हम अपने परिवार को, अपने को, अपने समाज को, ये 2.25 करोड़ लोगों की जो मौत हो रही है इतना छोटा सा यज्ञ करते तो उनको हम बचा सकते हैं। इसके कारण होने वाले 1000 करोड़ के मेडिकल खर्च को हम बचा सकते हैं। ये जो लाभ आपके सामने में रख रहा हूं, ये एक एक लाभ एक बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये दुनिया के
लिहाज से देखें तो एक एक चीज बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, और एक हम खाली 7 मिनट का यज्ञ यदि अपने घर में यज्ञाग्नि को प्रदीप्त करके उसके अंदर कुछ विशेष आहुतियां दे दें, तो उतनी आहुतियां देने पर इतने सारे एक साथ लाभ प्राप्त होते हैं। और ये तो मैं भौतिक लाभ बता रहा हूं, दृष्ट लाभ बता रहा हूं। दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम, जो देखा जाता है वो बहुत कम होता है। यज्ञ केवल भौतिक लाभों के लिए नहीं होते हैं, यज्ञ तो पुण्यों की प्राप्ति से लेकर के आध्यात्मिक जीवन की उन्नति से लेकर के मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। ये पूजन है, यह एक साधना है कि हम एक उच्च चेतना के साथ कैसे जुड़े। देवी शक्तियों का पूजन है, अग्निर्वय देवानाम मुखम का, अग्नि जो है समस्त देवताओं का मुख है, और इस यज्ञाग्नि के अंदर जो हम आहुतियां प्रदान करते हैं वो सारी देवी शक्तियों को पहुंचती है, उसका पूजन होता है, उसका अर्चन होता है। ये बहुत बड़ी चीज है, और समस्त प्रकार के अशुभ, अलग अलग प्रकार के ग्रह दोषों से लेकर के अलग अलग प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा से लेकर के अलग अलग बहुत सारी समस्याओं से लोग जूझते रहते हैं। आप ये 7 मिनट का यज्ञ अपने घर में स्थापित कीजिए, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेगी। तो ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो बहुत ही विशेष चीज है। और जब हम एक अनुष्ठान की भांति जब एक आहुतियां देते हुए हवन करते हैं, और जो सामग्री घी आदि जलता है उसका जब विखंडन हो रहा होता है, वो जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो व्यक्ति यज्ञ करता है उनके पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं के पोषण से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत, अष्टाचक्रात नवद्वारा देवानाम पूर्व यज्ञ हमारे शास्त्रों में जो ग्रंथ, 8 चक्रों की शक्ति को उजागर करता है, हमें एक उच्च चेतना की ओर ले जाने के लिए एक सर्वोत्तम पद्धति और प्रक्रिया है। और साइंटिफिक रूप से भी डॉक्टर मोतोयामा करके जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस प्रकार की रिसर्च करके भी बताया कि यज्ञ करने पर हमारे जो शक्ति के केंद्र हैं उसकी ऊर्जा एक बार मात्र यज्ञ से कई गुना बढ़ जाती है। और ये जो अलग अलग लाभ आपको बता रहे हैं, देखिए है एक छोटा सा कर्म, और इसको हमारे ऋषि मुनियों ने पंच महायज्ञों के अंदर शामिल किया। किसमें? पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पंच महायज्ञ कहे गए। उन पंच महायज्ञों में से एक यज्ञ ये अग्निहोत्र यज्ञ है, जो हमें प्रतिदिन करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। और जो व्यक्ति ये यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुखकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, हे वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञ अनुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहुत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। मैं शांतिलाल पटेल पुणे महाराष्ट्र, पिछले 8 साल से मुझे माइग्रेन की वजह से महीने में 2 या 3 बार बहुत सिर दुखता था, और जब मैं यात्रा करता था तो ये दर्द और बढ़ता था और मुझे वोमिट भी होती थी। इस माइग्रेन की वजह से मुझे सेरिडॉन टेबलेट भी लेनी पड़ती थी। उस दरमियान मेरा माथेरान शिविर में जाना हुआ, वहाँ पर मैंने भ्राता श्री सूरज भाई का एक प्रवचन सुना, और वो बता रहे थे कि यज्ञ चिकित्सा पद्धति से हर रोग का निवारण होता है।
उन्होंने कहा, पतंजलि योग विद्यापीठ में भिन्न भिन्न रोगियों को भिन्न रोगों से यज्ञ चिकित्सा पद्धति से उपचार किया है और वो ठीक भी हुए। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई, मैंने भ्राताश्री से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि औषधि युक्त जड़ी बूटियों से बनाई हुई औषधि युक्त सामग्रियों का प्रयोग करना शुद्ध गाय का घी और शुद्ध गाय का घी से प्रयोग से उसने बताई हुई सामग्री से मैंने निष्ठापूर्वक पालन किया। और नरसिंहभाई ने बताया कि आप खान पान में खट्टा तीखा और दूध नहीं लेना, दिनचर्या भी बारे में बताया और उन्होंने कहा कि आप शाम को सोने से पहले 4 से 5 घंटा पहले भोजन ले लीजिए। खान पान में आप कभी खट्टा और तीखा न लेना, जिसके वजह से मुझे 29 फरवरी 2021 से आज 31 मार्च 2021 मुझे बिल्कुल माइग्रेन से मुक्ति मिली, मुझे दर्द नहीं हुआ, सेडोन लेनी भी नहीं पड़ती है और मैं ठीक हुआ। सिर्फ इतना यज्ञ चिकित्सा पद्धति का मैंने श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक और समर्पण भावना से इसका पालन किया और मुझे राहत मिली। सबका धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।